शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कर्नाटक में विपक्ष के नेताओं ने ताकत दिखाई और ताकत दिखाते हुए मंच पर एकजुट हुए। हालांकि कुछ लोग नदारद भी रहे। 2018 में जो गर्म जोशी दिखी वो इस बार नहीं दिखी। थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर जरूर गया लेकिन उसके बाद तुरंत हाथ नीचे भी आ गया। अब उसके पीछे की वजह क्या थी, एक छोटा सा रिएक्शन अवधेश जी से ले लेते हैं, उसके बाद सभी लोगों के पास दोबारा जाएंगे। देखिए, शपथ ग्रहण में और विपक्षी एकता दोनों में क्वालिटेटिव गुणात्मक अंतर हमको दिखा है। शपथ ग्रहण मुख्य खबर नहीं है इस समय क्योंकि 8 मंत्रियों के नाम आ गए थे। अब मुख्य खबर, देश की चर्चा, देश का ध्यान विपक्षी एकता पर है। हाँ। और ये इतने कम सेकंड में मुझे हैरत है। हाँ। कि उसमें विपक्ष की एकता दिखे कैसे है, कई नेताएं नहीं दिख रहे। और साथ में मैं कह रहा हूं कि आप दोनों में अंतर करिए। पिछली बार जनता दल एस के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे तो संपूर्ण विपक्ष वहां उपस्थित था। इस बार कांग्रेस के नेता मंत्रिमंडल ले हैं, इस बार विपक्ष का 40% उपस्थित नहीं है वहां। पड़ोस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, पिछली बार वो सारे उपस्थित थे, ममता बनर्जी नहीं है। तो मुझे शरद पवार जी जैसा वरिष्ठ नेता अभी नहीं दिखा है। तो या तो आपकी समाज और सोच, इससे क्या मैसेज जा रहा है? सरकार तो जीती है, सशक्त है, उसको शुभकामनाएं हैं। गणेश कार्तिक जी, काम करो, विपक्षी एकता का अगर यही तस्वीर है तो 2024 की तस्वीर तो देश में स्पष्ट हो रही है। लोकेश जी से हंसने की वजह मैं पूछूंगा लेकिन गणेश कार्तिक जी से बहुत देर से बातचीत नहीं हुई है तो एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूं। गणेश कार्तिक जी, आप भी मानते हैं कि जितनी मजबूती के साथ विपक्ष को यहां पर दिखना था वो दिख नहीं पाए? लोकेश जी के मुंह में काफी देर के बाद तो हंसी आई, इसलिए तो मैं उनको मुबारक देना चाहता हूं। अच्छा, आपका बढ़िया जीत हुई है, अच्छा सरकार बना है, शपथ ग्रहण हुआ है, कम से कम अभी तो हंसी है। काफी 2000 रुपए का नोट अगर आपके पास होंगे उसके लिए अगस्त तक टाइम है, चिंता मत कीजिए। आप आतंकी लग रहे हैं थोड़ा बहुत देखने में। ऐसा है, ये जो शपथ ग्रहण समारोह में जो फोटोशूट होता है या फैमिली फोटो जो होता है वो जितना सारा कहता है उससे ज्यादा उसके पीछे छिपा हुआ लगता है मुझे। अच्छा। जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बताया, सिर्फ 40% लोग ही आए थे तो वो जो भी है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन ये है कि शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 8 मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण लिया गया, इससे पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी सामने आ रहा है। उनके काफी सारे सीनियर लीडर जो है, देशपांडे है, जैसे देशपांडे जैसे बहुत वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं मैं तो सबसे सीनियर हूं, मुझे अभी शपथ ग्रहण समारोह में मुझे बुलाया नहीं, मुझे मंत्री पद नहीं दिया है। तो एक तो फैमिली शूट की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज ये जो सिद्धरमैया गुट और जो डीके शिवकुमार जी का गुट है उसका बैलेंसिंग जो हो चुका है वो 8 मंत्रियों में, अभी अगले आगे आने वाले दिनों में ये सब बाहर निकल के आएगा। 4 दिन जो दिल्ली में चला उसका जो प्रश्न जो था अभी आगे निकलते जाएगा, और भी ऐसे सारे चीज बहुत निकल के आएंगे। ये कोई विपक्ष की 24 की चुनाव की दृष्टि से एकजुट होने का कोई संदेश इधर से नहीं गया। यानी बीजेपी कह रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, आगे आगे होता है क्या। हाँ लोकेश जी, आप बताइए, ये आज ये तस्वीर थोड़ी और अच्छी हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई। देखिए जी, मैं एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। वो मुहावरे का जो वास्तविक जीवन रूप है वो आज अवधेश कुमार जी की और कैप्टन साहब की जो टिप्पणियां थी इससे दर्श रहा है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, कर्नाटक के अंदर एक ऐतिहासिक जीत है। अभी आप इसमें फूफा जी ढूंढोगे कि भाई शादी में जो है फूफा जी नाराज है या फिर ये बराती नाराज है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा ना तो है, और ये केवल और केवल आपकी काल्पनिकता है। किसी तरह से कोई ना कोई नुक्स या जो कोई ना कोई ऐसी बात आप निकाल लें जिससे खलल पैदा कर सके और जिससे आपको ये जो कुछ हो रहा है इसे डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो या फिर थोड़ा सा मलहम लग जाए जिन जख्मों पे अभी बहुत ज्यादा आपको जलन महसूस हो रही है। लेकिन इन सब चीजों से आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा अगर आप अपनी नीतियां बदले। अच्छा। फायदा होगा अगर आप जनमानस के साथ जुड़े। फायदा होगा अगर आप वास्तविकता देखें बजाय उसके जो आप देखना चाहते हैं। अच्छा। आप वो देखिए जो दिख रहा है, वो मत दिख जबरदस्ती देखिए जिसको आप देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जीत दी है, बताइए क्या देखना चाहते हैं, क्या दिख रहा है आपको? नहीं, पहली बात तो ये है, लोकेश जिंदल वैसे तो बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, कभी किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करना। मेरी क्यों खिसियानी होगी?
कभी पर्सनल टिप्पणी मैं किसी पर करता नहीं हूं, उम्मीद नहीं थी मैं इसका उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं उस स्तर पर नहीं उतरूंगा। पहली बात, उन्होंने मेरे को ब्रैकेट कर दिया बीजेपी के नेता के साथ। मेरा अपना एक विश्लेषण है और अवधेश कुमार जी, अगर आपको किसी भी प्रकार की बुरा लगा उसके लिए क्षमा, मतलब पर्सनल टिप्पणी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी तरह से आपको, लेकिन मैं, अरे भाई पर्सनल टिप्पणी के लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। मेरा क्षमा की कोई बात नहीं, आप डिबेट में बैठे हैं, आपका अधिकार है करने का, हम एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। देखिए हम लोगों ने जो किया है, अब मैं अब फिर सवाल उठा रहा हूँ, प्रियंका वाड्रा जी ने, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 8 में 1 महिला नहीं है, आप आपके कितनी महिलाएं जीत के आई, बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा सकते थे, लेकिन ये पहला दिन कैबिनेट की है, हमने उसको शुभ किया। लेकिन जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, क्योंकि अब कैबिनेट तो अभी गौन है ना, उसका विस्तार होगा, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन कैबिनेट, वो सरकार अपना काम करे, मुख्यमंत्री उसमें केवल इतना ही है कि सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना बहुमत बढ़े, मैंने इतना ही कहा था, पहले लोकेश जी नहीं थे, जनता दल एस के सामने संकट है कि 19 विधायक उसके कब तक एक रहेंगे, वो कब कांग्रेस में चले जाएंगे, जो बीजेपी में 11-12 कांग्रेस से आए हुए जीत के गए हैं, जो बीजेपी वहां एक डिवाइडेड हाउस है पूरे कर्नाटका में, एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, वो 12 विधायक कितने दिन बीजेपी में रहेंगे, इतनी ही मेरी टिप्पणी है वहां उसके बारे में, वो टूट के आ सकते हैं बीजेपी में। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए ना, क्या आपको इसमें कहीं भी शरद पवार दिखे खड़ा होते, कैसे फोटो ऑफ हो रही है, कितनी देर हाट होती है, क्यों नहीं सारे विपक्ष को कांग्रेस इकट्ठा कर पाई, लड़ते या बात में अलग अलग, केजरीवाल के साथ आप बाहर लड़ते लेकिन आप इनवाइट कर सकते थे, आपके आप तेलंगाना में आप लड़ते लेकिन आप इनवाइट कर सकते थे, पिछली बार सब थे, आप आंध्र में लड़ते लेकिन आप इनवाइट कर सकते थे, तो देश में एक मैसेजिंग होती है, इसका मैसेज है गया कि कांग्रेस विपक्ष की एकता कहती है लेकिन अपने अनुसार विपक्ष की एकता चाहती है कि जो उसके साथ है वही हो, विपक्षी एकता का कोई दूसरी धारा हो जाए, ये कांग्रेस नहीं चाहती है, ये मैसेज यहां से निकला। देखिए 2018 विपक्षी एकता की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 2023 में विपक्षी एकता की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, 2019 में मोदी लोकसभा जीते, 2024 में क्या फिर से बारी पड़ेंगे, इस पर बात हो जाएगी। लेकिन दुष्यंत जी, एक मजबूत तस्वीर विपक्षी एकता की दिखाई जा सकती थी, लेकिन कमी थोड़ी सी रही है। अवधेश जी की बात से आप थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं और सदैव सही बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। 2019 में गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लीड भी जेडीएस कर रही थी, तो जेडीएस के साथ वो दल भी आए जो कांग्रेस के सामने लड़ते हैं, जैसे बीआरएस है, बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है तेलंगाना में, आंध्रा में वाईएसआर वर्सेस कांग्रेस है, तो ये तो साहब कभी नहीं आ सकते। उड़ीसा में नवीन बाबू वर्सेस कांग्रेस है, तो नवीन बाबू कैसे शेयर करेंगे आके, तो इनके साथ कोई प्री पोल 2024 से पहले अगर हम अलायंस उम्मीद कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। ये आत्मनिर्भर कांग्रेस है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में बदली हुई कांग्रेस है, और जो लोग आए हैं मुझे लग रहा है वो बहुत सशक्त और शक्तिशाली तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कौन होगा 24 में, मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस कांग्रेस होगी, मोदी वर्सेस राहुल होगा, ये स्पष्ट है और ये दिख रहा है, और बहुत ही अच्छी मुद्दों के ऊपर लड़ाई होगी, और कर्नाटक ने एक रास्ता दिखाया है, कर्नाटक के मॉडल ने एक नया रास्ता दिखाया है जिसके ऊपर देश के अंदर बहस होगी। और मजबूरी में मैं आज आपके शो पे बोल रहा हूं, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिलेंडर का दाम घटाएगी, अदरवाइज जाएगी। अच्छा, ये स्पष्ट कर दिया अवधेश जी, शॉर्ट कमेंट। देखिए ऐसा है कि सिलेंडर के दाम अभी भी जो मार्केट रेट का है वही है जो यूपीए सरकार के समय थी, ये बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट। मैं 24 के चेहरे की बात कर रहा हूँ, कौन होगा? देखिए ऐसा है, 24 का चेहरा पर तो अभी बात करना नहीं, मेरा मतलब है कि यहां से अभी विपक्ष चल रहा है, अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी चुनाव है। ठीक है, ठीक है, कि वहां किसके साथ, मध्य प्रदेश में वो कितना वो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों को वो सीट देती है कि नहीं, राजस्थान में कितना जोड़ पाती है विपक्ष को, क्योंकि विपक्षी एकता की तस्वीर एक यहां पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वाकई सबको जोड़ पाती है कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ये 2018-2023 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखना आपको बहुत जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का।